सभी मेरे प्यारे YED व्यूअर्स का वेलकम है YED की एडिटोरियल क्लास में। आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे इस खूबसूरत सी तस्वीर के साथ, जिसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे रंग है ना, बहुत सारे कलर्स। इस तस्वीर को आपको दिखाने का मकसद ये है, आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही सपनों को बुनें जिनमें बहुत सारे कलर्स हों, है ना। आप कैसे अपने फ्यूचर को, अपने लाइफस्टाइल को बनाना चाहते हो, वो आपके सपने होंगे, आपके ड्रीम्स होंगे। अब उनमें कलर्स आप खुद डालेंगे और फिर उन कलर्स को सच बनाने के लिए उतनी शिद्दत से आप काम करेंगे। यही फॉर्मूला है, रेसिपी है हर उस इंसान की जिसने कभी कामयाबी ली है। सपने देखें, काम करें, बड़े से बड़ा सपना देखें और पूरी शिद्दत से उस पर काम करें। चलिए शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को। फिर से इकोनॉमिक एडिटोरियल आ गया आज, है ना। आप बोलते हो सर रोज इकोनॉमिक एडिटोरियल लिया करो, अब दो दिन से लगातार इकोनॉमिक एडिटोरियल्स आ रहे हैं। देखो आज का एडिटोरियल है GST के ऊपर बेस्ड। आपके कई सारे मैं डाउट्स इस एडिटोरियल के जरिए निकालूंगा इकोनॉमी से रिलेटेड। चलिए शुरू करेंगे। बहुत सारी ग्रामर, बहुत सारी वोकैबुलरी, बस शर्त सिर्फ इतनी है पूरी वीडियो को एक सिटिंग में एक साथ देखें। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। इस लेक्चर की PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं। सुबह में आपको मालूम चल जाता है हम दोपहर में कौन सा ट्यूटोरियल करने वाले हैं। चलिए, कह रहा है ग्रिम, सॉवरेन, टैंगल। तीनों ही वर्ड अपने आप में बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ना। तीनों का मतलब भी शायद आपको नहीं पता होगा, चलो मैं ये करके बताता हूँ। ग्रिम का मतलब है उदासी भरा। इसको मैं इस वर्ड को याद करवाता हूँ आपको, बरसात के दिन हो, शाम को 7:30 बज रहे हो, है ना, आप अपने घर की खिड़की से बालकनी से बाहर देखें तो कैसा मौसम होगा, काले बादल, थोड़ा सा अंधेरा, है ना, उदासी भरा, डिसअपॉइंटिंग। उसी मौसम को, उसी मोमेंट को हम बोलते हैं ग्रिम मोमेंट। तो ग्रिम का मतलब क्या है, थोड़ा काला हो, उदासी भरा हो, थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट करे। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु या स्वायत्त। जो लोग हिंदी नहीं समझते हैं ऐसा समझें, हमारे देश में स्टेट्स और सेंटर दोनों एक ऐसे रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं, जिसमें थोड़ी सी स्टेट्स को जो है आज़ादी और थोड़ी सी है सेंटर को आज़ादी। सेंटर की आज़ादी स्टेट्स की आज़ादी से थोड़ी सी ज़्यादा है, इसी को कहते हैं सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, है ना। तो कह रहा है एक सॉवरेन ग्रिम टैंगल बन गया है। अब देखो टैंगल क्या होता है, टैंगल का मतलब होता है कन्फ्यूजन, चीज़ें आपस में उलझ जाती हैं, कॉम्प्लिकेशन आता है, उलझन आती है, उसको कहते हैं टैंगल। तो कह रहा है एक बहुत ही काला सा, हमारे देश के स्टेट्स और राज्यों के बीच में, स्टेट्स और सेंटर के बीच में टैंगल हो गया है, कन्फ्यूजन हो गई है, कॉम्प्लिकेशन हो गया। अब आपको मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया इसका क्या कहने का मतलब था। अब इन वर्ड्स पर नज़र मार लेते हैं, ग्रिम के सिनोनिम्स आप मेरे साथ देखेंगे, ग्लूमी, सॉम्बर और ब्लीक। तीनों का मतलब क्या होता है, वही उदासी भरा। डिसअपॉइंटिंग तो आप समझ ही गए हैं ना, ग्लूमी, सॉम्बर और ब्लीक, तीनों का मतलब होता है उदासी भरा। टैंगल वर्ड को आपको याद भी करवा देता हूँ, आपके जो ईयरफोन्स हैं जब आप उनको बैग वैग से कहीं से निकालते हो तो आपस में उलझ जाते हैं, उसको बोला जाता है इंटेंगल्ड ईयरफोन्स, है ना, इंटेंगल्ड, आपस में उलझे हुए हैं, इंटेंगल्ड है ना। तो बीच में देखो टैंगल आ रहा है। अभी आपने एक दूसरा वर्ड सुना होगा, डिसइंगेजमेंट या डिसइंटेंगलमेंट चल रही है LAC के ऊपर, इंडियन और चाइनीज फोर्सेस आपस में उलझी हुई हैं, कन्फ्यूजन में है, कॉम्प्लिकेशन में है, अब उनको अलग अलग कर रहे हैं तो डिसइंटेंगलमेंट कर रहे हैं, है ना। तो इन वर्ड्स को आप इस तरह से अपनी करंट न्यूज से आप रिलेट करके रख सकते हैं। चलो कह रहा है ऑन GST कंपेंसेशन स्टैंड ऑफ, कह रहे पूरी बात जो हो रही है GST का जो कंपेंसेशन है ना उस पे जो गतिरोध है, जो स्टैंड ऑफ है, उस पे जो बहुत बड़ा ऐसी सिचुएशन है जिसका कोई हल नहीं निकल रहा। स्टैंड ऑफ क्या होता है, आप ना आगे जा रहे हो ना पीछे आ रहे हो, आपको कोई सोल्यूशन भी नहीं दिख रहा, है ना, ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं तो आप एक स्टैंड ऑफ में फंस जाते हैं। इसके सिनोनिम आपके सामने है, बहुत बार आता है वर्ड, आपको इस सिनोनिम याद हो जाने चाहिए, इम्पैस, स्टेलमेट, ग्रिडलॉक और डेडलॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके टाइटल पैराग्राफ से आपको मालूम चलेगा क्या गतिरोध है, क्या स्टैंड ऑफ है। कह रहे GST रिफॉर्म्स शुड नॉट फॉल विक्टिम टू द ट्रस्ट डेफिसिट फ्रॉम द कंपनसेशन स्टैंड ऑफ। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, पहले मैं आपको इस एडिटोरियल का ये वाली लाइन की मीनिंग बताता हूँ, है ना, ट्रांसलेट करके फिर कहानी बताऊंगा। कह रहा है जो GST के रिफॉर्म्स हैं, GST में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर जो सुधार हैं उनको फॉल विक्टिम नहीं होना चाहिए, उनको शिकार नहीं बनना चाहिए, फॉल विक्टिम मतलब शिकार बनना, उनको शिकार नहीं बनना चाहिए। उस ट्रस्ट की कमी का, उस भरोसे की कमी का, ट्रस्ट डेफिसिट का, और जो कहाँ से आ रहा है, कंपनसेशन स्टैंड ऑफ से आ रहा है, ऐसे गतिरोध, ऐसे
लड़ाई में से आ रहा है जो कंपनसेशन के ऊपर रिलेटेड है, जो हरजाने के ऊपर जो है बेस्ड। तो हरजाने की लड़ाई के चक्कर में जीएसटी रिफॉर्म्स की बलि ना चढ़ जाए, जो रिफॉर्म्स आने चाहिए वो आज जो है रिफॉर्म जरूर आए। अब मैं आपको समझा देता हूँ, ये सेंटेंस आप तब समझोगे जब आप कहानी समझोगे। देखो, जो लोग थोड़ा सा भी जीएस पढ़ते हैं या इकोनॉमी पढ़ते हैं उनको पता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को 3-4 साल पहले अपने देश में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस टैक्स के आने के बाद सारे दूसरे टैक्सेस को बंद कर दिया गया, जैसे कि सेल्स टैक्स है ना, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सारे के सारे जो है टैक्स बंद कर दिए और जीएसटी आ गया। जीएसटी आने से स्टेट्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमारे तो आपने बहुत सारे टैक्स जो है हटा दिए, है ना। तो सेंटर ने क्या बोला, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, जीएसटी के जो पैसा आएगा उसको अपने लगभग आधा आधा बांट लेंगे। दूसरा क्या, आपके जो टैक्स आपके पास आते थे अगर उसमें जीएसटी से थोड़ी सी भी कमी आए, है ना, तो उसके लिए हम आपको एक हरजाना भी देंगे। तो एक लॉ बनाया 5 साल का कि 5 साल तक जीएसटी आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्स के हिस्से में से स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ा सा कंपेंसेशन देगी, हरजाना देगी, ताकि उनके टैक्स का कोई नुकसान ना हो जो वो पहले पाया करते थे। तो समझ गए इस अरेंजमेंट को। अब देखो, इस अरेंजमेंट के अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ गई है, जिसकी वजह से कह रहा है अब जो कंपनसेशन, जो हरजाने में जो स्टैंड ऑफ आया ना सेंटर और स्टेट्स के बीच में, इसके चक्कर में जो भरोसे की कमी हो गई है, अब उसका जीएसटी रिफॉर्म्स को शिकार नहीं बनाना है, जीएसटी के रिफॉर्म सुधारों को वैसे ही जैसे होना था होना चाहिए। समझ गए होंगे आई थिंक। चलो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट आपका जीएसटी रिफॉर्म्स ग्रीन कलर में, वर्ब आपकी शुड नॉट फॉल पिंक कलर में, ग्रीन पिंक पूरे एडिटोरियल का मार्क्ड है। आपका आधा पार्ट ऑफ स्पीच जो है मैंने पूरे एडिटोरियल का मार्क कर दिया है ना, सब्जेक्ट और वर्ब आपके सामने। मिलाने की कोशिश करें, धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा इंग्लिश का चक्कर। अब आ जाओ वर्ड्स, फॉल विक्टिम मतलब किसी का शिकार बनना। अगर मैं ऐसा बोलूं, लास्ट वीक वी फेल विक्टिम टू जमतारा फ्रॉडस्टर्स, पिछले हफ्ते हम शिकार बन गए जमतारा के फ्रॉडस्टर जो हैं, वहाँ के जो चोर लुटेरे हैं। जमतारा आप जानते होंगे, झारखंड में एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको फोन्स आते हैं, ओटीपी पूछ के आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो पिछले हफ्ते इन जमतारा के जो चोर लुटेरे हैं इनका हम बन गए शिकार। अब मैं आपका ध्यान किस पे खींचना चाह रहा हूँ, फॉल विक्टिम तो आपने सीख लिया, इसके बाद में हमेशा टू आता है। विक्टिम किसके बने हैं, ऑफ लगा के मत बताना, फेल विक्टिम टू जमतारा फ्रॉडस्टर्स, इस तरह से फ्रेज काम करता है। कंपेंसेशन मतलब हरजाना, भरपाई, रिकम्पेंस बोलते हैं इसको, रेपरेशन बोलते हैं, दोनों तीनों का मतलब है हरजाना, डेफिसिट का मतलब होता है कमी। चलो आगे बढ़े, अब मैं एक समरी आपको दे दूं। देखो समरी ये है मेरे भाई लोग, अभी जैसे मैंने आपको बताया जीएसटी का बीच में चक्कर पड़ गया है, अभी जो है इस साल का कंपेंसेशन सरकार नहीं दे पा रही है ना। सरकार बोल रही है कि भाई कोरोना आ गया, हमारे पास ही पैसे नहीं है, आपको कहाँ से भरपाई करवा दें। स्टेट्स बोल रही हैं आप जीएसटी लाए थे तो वादा किया था पैसे आपको देने चाहिए। अब देखो थोड़ी सी स्टेट्स की भी नजायजपना है, सरकार के पास पैसे होंगे तो देगी, है ना। अब अपना एडिटोरियल क्या कर रहा है, चलो ये तुम्हारी आपस की बात है, स्टेट और सेंटर का झगड़ा है, कोई बात नहीं, इस पैसे के झगड़े को आप सुलझाओ, पर इससे जो आप दोनों के बीच में विश्वासघात की बात आ गई है ना, आप में थोड़ा सा ट्रस्ट, थोड़ा सा यकीन कम हो गया एक दूसरे पे, अब इसका मतलब ये ना हो कि जीएसटी में जो रिफॉर्म्स आप अगले साल करने वाले हो वो आप जो है उनको बलि चढ़ा दो। आपस की बात है, यही सुलझा लो, रिफॉर्म्स जो सुधार जीएसटी में करने थे उनको इस झगड़े के चक्कर में सारा का सारा उनको जो है ना पानी में मत बहा देना। बस ये इसकी आज की समरी है, सरकार को और स्टेट्स को नसीहत दे रहा है, सजेस्टिव इसकी टोन है, सिंपल समरी है। कोशिश करो कमेंट सेक्शन में लिखने की, लिखते लिखते आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी बनती है। चलो आगे बढ़ते हैं, दो चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहली चीज़ रिलेटेड टू मेंबरशिप, चलो मेंबरशिप छोड़ो, आपको मैं सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। अगर चैनल पे नए हो, आपको लगता है सर मुझे शुरू से इंग्लिश सीखनी है, ये सब मुझे समझ में नहीं आता है, एक काम करो अभी जाकर के वीडियो को कर दो बंद, जाना मेरे कमेंट इस पे चैनल के होम पेज पे, आपको क्या मिलेगा, होम पेज के ऊपर एक प्लेलिस्ट मिलेगी, कौन सी, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय YAT, पूरे दीन ईमान और धर्म से पहली वीडियो से लेकर 23वीं वीडियो तक देखना, आपको लगेंगे 2 वीक्स, शायद 1 वीक लगे, 1.5 वीक लगे, आपकी डेडिकेशन पे बेस्ड है। 1 से 1.5 वीक में आप इंसान बन जाओगे, है ना। अगर आपको लगता है ना इंग्लिश आपकी, इंग्लिश में आप जानवर हो, इंग्लिश आपको बिल्कुल नहीं समझ में आती, आपको इंग्लिश में जेंटलमैन बना दूंगा मैं सिर्फ इस प्लेलिस्ट के जरिए, जाओ सबके लिए फ्री है, जाकर के आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोग बोलते हैं सर मेंबरशिप क्या है, देखो जब इस प्लेलिस्ट को आप देख लो ना, ये कंप्लीट इंग्लिश वाली, उसके बाद आपको इसके ज़्यादा भी कुछ चाहिए हो, जैसे सीधी सीधी क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करना है, पूरा का पूरा एग्ज़ाम कैसे सॉल्व करना है, तो हमारा एक
प्रीमियम कंटेंट मेंबर ओनली वीडियोस का एक मेंबरशिप प्लान है, ऊपर ज्वाइन बटन रखा है, यहाँ पे पूरी आपको सारी की सारी मिल जाएगी कौन से प्लान के अंदर क्या है ना। तो मैं वीडियोस पब्लिश करता हूँ, आप ज्वाइन करके मुझे इन वीडियोस को देख सकते हैं, पर तभी करना जब ये सारी प्लेलिस्ट आप देख लो, नहीं तो ऐसे फिर पानी पैसा है ना उसको खराब मत करो। जब ये देख ही नहीं सकते आप तो क्या मतलब है। चलो शुरू कर रहा हूँ मैं। कह रहे 3 years आफ्टर इंडियाज न्यू इंडायरेक्ट टैक्स रिजीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद अ स्लोगन ऑफ वन नेशन वन टैक्स, इट फेसिस एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसमें एक एरर आएगी। कह रहे 3 सालों के बाद। अच्छा भाई किसके? इंडिया के नए इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम के इंट्रोड्यूस होने के। कह रहे इंडिया के नए इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर के जो रिजीम है, जो उसका सिस्टम है, उसके लॉन्च इंट्रोड्यूस होने के 3 साल के बाद। अच्छा इंट्रोड्यूस कैसे हुआ था? ये हुआ था एक स्लोगन, एक नारे के साथ। इसका नारा क्या था? एक नेशन एक देश और एक टैक्स, है ना, पूरे देश में सिर्फ एक टैक्स। कह रहा है इसके 3 साल के बाद। कह रहा है इट फेसेस, ये जो इंडिया है फेस करता है, या यूं बोलूं ये इंडायरेक्ट टैक्स जो है फेस करता है एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को, एक ऐसे तूफान, एक ऐसी आफत को जो इसके एग्जिस्टेंस, जो के अस्तित्व पे आ गई है ना। तो इसके अस्तित्व के ऊपर एक तूफान बहुत बड़ा आ गया है इस इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के ऊपर। समझ गए सेंटेंस? सेंटेंस पर देखने वाली चीज, ग्रीन में है सब्जेक्ट, पिंक में है वर्ब। रिजीम की वर्ब है वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इट की वर्ब है फेसिस। रिजीम वर्ड को आप बहुत जगह देखोगे, इनफैक्ट मैं इस वर्ड को लेने वाला हूँ सुबह शाम में खबरी पे। इसके 3-4 मीनिंग होते हैं, फिर भी मैं समझा देता हूँ। इसके 2 मीनिंग मोटे मोटे होते हैं। रिजीम का मतलब होता है प्रशासन, दूसरा होता है व्यवस्था। अब देखो कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें आपको बताया हो डॉक्टर ने कि सुबह ये वाली गोली लेनी है, शाम को ये वाली गोली लेनी है, तो उसको भी आप बोलते हैं आपका मेडिसिनल रिजीम, है ना, आपकी दवाइयों की क्या व्यवस्था है। और अगर कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन हो जो आपकी सरकार हो, जो आपका सिस्टम चलाती हो, उसको भी रिजीम बोलते हैं। तो ये वर्ड सरकार को भी बताता है और किसी अरेंजमेंट को भी बताता है। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स की अरेंजमेंट की बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंशियल का मतलब है, देखो एग्जिस्टेंस एक नाउन है, इसका मतलब होता है अस्तित्व, आपकी मौजूदगी। एग्जिस्टेंशियल एक एडजेक्टिव है जो आपकी मौजूदगी से रिलेटेड हो। अब इसमें एरर है, मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है, आप मुझे बताएंगे इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको। दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है? मैं एक काम करता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है ना। देखो सब्जेक्ट है इसमें डार्क में, वर्ब है आपकी ऐसे लगी हुई नीचे अंडर मार्क, है ना, अंडरलाइन। देखो दोनों सेंटेंस ही गलत हैं। कैसे? आप पहले सेंटेंस में देख रहे हो दिस इकोनॉमिक क्राइसिस हैज बेंट द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड इकॉनमी। ये क्राइसिस वर्ड का क्या मतलब होता है? बहुत सारे क्राइसिस, इसके पीछे जब ई एस आ रहा है तो ये प्लूरल होता है ना, ये क्या होता है? प्लूरल। ये एक वर्ड है, देखो क्राइसिस, क्राइसिस है ना, और इसका सिंगुलर से अगर प्लूरल बनाएंगे तो वो बनेगा क्राइसिस। तो ये जो पीछे आप ई एस देख रहे हो ना, ई एस, ये लगाता है प्लूरल को बताता है, और अगर आई एस देख रहे हो तो ये बताता है सिंगुलर को। अब ये दिस इकोनॉमिक क्राइसिस लिख दिया तो मतलब सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस एक ही है, अगर बहुत सारे होते तो दी जाता। दिस के हिसाब से यहाँ पे मुझे क्राइसिस लगाना चाहिए था, ये सेंटेंस अब सही हुआ। आगे देखो वर्ब भी इसके साथ में हैज लगी है, सिंगुलर वर्ब है। अगला देखो, COVID-19 इंड्यूस पैंडमिक हैज बीन वन ऑफ द अगलीस्ट क्राइसिस द वर्ल्ड हैज सीन। COVID-19 से भड़की हुई जो बीमारी है, पैंडमिक है, महामारी है, वो बन गई है वो एक आज तक के सबसे अगलीस्ट क्राइसिस में से। तो आज तक के बहुत सारे क्राइसिस आए हैं, तो बहुत सारे क्राइसिस में से एक क्राइसिस ये है ना। तो वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे क्राइसिस की प्लूरल फॉर्म आएगी जो कि क्या होती है? ई एस के साथ में, तो मैं यहाँ लगाऊंगा क्राइसिस। समझ गए ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मुझे प्लूरल फॉर्म, वहाँ पे मुझे सिंगुलर फॉर्म को यूज करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल है आपसे, ये जैसा आपने इन दोनों को देखा, ये आई एस से सिंगुलर, ई एस से प्लूरल, ऐसे मुझे आप 3 nouns और बता सकते हैं? 3 ऐसे nouns और बता सकते हैं जो कि इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं, है ना। जैसे कि क्राइसिस क्राइसिस है, वैसे 3 दूसरे noun भी हैं, ऐसे ही आई एस और ई एस से सिंगुलर और प्लूरल बनते हैं। डालना कमेंट सेक्शन में, बहुत बार बता चुका हूँ, सबको आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे डिस्पाइट इट्स पैची स्ट्रक्चर विद टू मैनी रेट्स, कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स एंड मल्टीपल मिड कोर्स चेंजेस,
द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और GST overseen together by the center and the states had begun to almost serve as an exemplar of cooperative federalism. बावजूद इसकी ऐसी स्ट्रक्चर के जो है पैची, पैची का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट है ना, अनियमित, आज बहुत बड़ा है कल बहुत छोटा है, मतलब अजीब सी इसकी स्ट्रक्चर है। कह रहे बावजूद इसकी अजीब सी ढांचे के स्ट्रक्चर के, और कैसा स्ट्रक्चर है इसकी पैची, बहुत सारी विद बहुत सारी रेट्स के साथ, अलग अलग तरह की इसमें रेट लगती है ना, और इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स हैं, ऐसी बहुत सारी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब ज़रूरतें हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ता है, और इसके मल्टीपल कई सारे रस्ते के बीच में होने वाले चेंजेस के। मिड कोर्स चेंज का मतलब क्या है, आप जा रहे थे नॉर्थ में, अचानक से आपके दिमाग में घूम गया आप जो है साउथ में चले गए, तो ये रास्ता बार बार बदल लेता है टैक्स, है ना, बीच राह के अंदर अपनी दिशा बदल लेता है। कह रहा बावजूद इन सब इस टैक्स के साथ बुराइयों के, कह रहा जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, इसका जो अमलीकरण है किसका, इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, जिसको ओवरसी किया गया है, जिसकी निगरानी की गई है एक साथ मिल करके सेंटर और स्टेट्स के बाद। कह रहे जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, ये हैड बिगन, ये शुरू हो चुका था, और कैसे, किस काम को करने के लिए, ऑलमोस्ट सर्व करने के लिए, ऑलमोस्ट सेवा करने के लिए, एक ऐसे एग्जाम्पलर की, एक ऐसी मिसाल की जो है सहकारी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, संघवाद का। देखो लंबे लंबे बड़े बड़े वर्ड्स आए हैं, मैं मानता हूँ, एक बार इसको आप जो है ना हिंदी में समझ लो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा बहुत ही खराब टेढ़ा मेढ़ा सा टैक्स है ये, है ना, बावजूद इसके खराबियों के होने के बावजूद, ये जो टैक्स है जिसको सेंटर ने और स्टेट ने मिल करके ओवरसी किया है, ये शुरू हो गया था, बिगिन हो गया था, क्या बन गया था, ये बिगिन होना, ये बन गया था एक मिसाल ऐसी जो सहकार की, कोऑपरेटिव की, आपस में सहयोग के फेडरलिज्म का एक एग्जांपल है। फेडरलिज्म यही होता है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में आपस के अंदर प्यार हो, मोहब्बत हो, मिलजुल के काम करें, इसको कहते हैं संघवाद फेडरलिज्म। तो कह रहा है बावजूद सब बीमारियों के, ये टैक्स ऐसा दिखता था कि सेंटर और स्टेट एक दूसरे से हाथ में हाथ मिला करके ऐसा काम कर रहे हैं, मिसाल के जैसे, एग्जाम्पलर के जैसे, समझ गए ना। अब देख लो वर्ड्स, पैची आपको बता दिया, इनकंसिस्टेंट हो, इरेगुलर हो, अनइवन हो, अनियमित हो, ओवरसी का मतलब है निगरानी करना, फेडरलिज्म मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पलर का मतलब है मिसाल, मिसाल के बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम अपने पास, आइडियल, एपिटमी और पैराकॉन। एपिटमी वर्ड को देखना, बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब ये होता है किसी भी चीज़ की मिसाल हो, अच्छा से अच्छा एग्जाम्पल, उसको कहते हैं एपिटमी, और पैराकॉन तो आपको पता ही है ना, पैराकॉन। चलो आगे बढ़ते हैं, अच्छे वर्ड्स हैं। कह रहे ऑल ऑफ दोज गेन्स हैव क्विकली अनरेवल्ड As the slowdown in the economy, exacerbated by the COVID-19 lockdown, has thrown all revenue calculations to the wind. ध्यान से देखो, बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसमें नए फ्रेज आए हैं, है ना। कह रहे सारे के सारे जो गेन्स है, ऊपर हमने जो बात की कि दोनों ने मिलकर के मिसाल बना दी सेंटर और स्टेट्स ने, कह रहे सारे के सारे जो गेन्स हैं, जो फायदे हुए थे, वो फटाफट से उधड़ गए। अनरेवल होने का मतलब क्या है, जैसे तार तार होता है एक स्वेटर, जैसे तार तार होता है कपड़ा, उसको कहते हैं अनरेवल होना। कह रहे सारे के सारे गेन्स, सारे के सारे जो हमने फायदे उठाए थे, इनके हो गए टुकड़े टुकड़े, ये हो गए अनरेवल। और कैसे, जैसे ही स्लो डाउन जो है इस इकॉनमी में, जो कि और एक्सेसरबेट हो गया है COVID-19 के लॉकडाउन के द्वारा, COVID-19 के सारे तालाबंदियों के द्वारा। कह रहे ये लॉकडाउन जो स्लो डाउन है, इसने थ्रो कर दिया है, फेंक दिया है सारी की सारी रेवेन्यू कैलकुलेशंस को, सारे के सारे टैक्स के अंदाजे को, टू द विंड। टू द विंड का मतलब है हवा के अंदर, समझो इस सेंटेंस को। सारे फायदे स्वेटर के धागों की तरह उधड़ गए जो हमने पाए थे, क्योंकि जो लॉकडाउन है, स्लो डाउन है इस अर्थव्यवस्था में, जो कि और खराब बन गया है COVID-19 लॉकडाउन के द्वारा, इसने फेंक दिया है सारी हमारी कैलकुलेशन को हवा में, जो हमने सोचा था उसका एक टका भी काम नहीं हो रहा, समझ गए ना। देखने वाले वर्ड्स देख लेते हैं। अनरेवल का मतलब है किसी चीज का उधड़ जाना, जैसे स्वेटर होता है वो उधड़ जाता है ना, अगर कोई पानी काम हो उस पर पानी फिर जाए, उसको भी आप अनरेवल करना कहते हैं, और किसी मिस्ट्री का पर्दाफाश होना, उसको भी अनरेवल करना बोलते हैं। तो अनरेवल का मतलब ये तीनों होता है। जैसे इस सेंटेंस में देखो, द मिस्ट्री फाइनली अनरेवल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द एक्टर, अभिनेता की मौत के बाद मिस्ट्री जो है सबके सामने उधड़ करके आई, सबके सामने सॉल्व हो गया आई। और माई स्वेटर हैज अनरेवल्ड, मेरी स्वेटर उधड़ गई है, इसमें जो है सारे धागे बाहर निकल आए हैं। तो इस वर्ड को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं दोनों कामों के लिए। एक्सेसरबेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो कि काम कर रही है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का। इसका मतलब होता है चीज़ों का बद से बदतर होना।
इसके लिए एक और वर्ड है अपने पास, एग्रावेट, है ना। तो एक्सेसरबेटेड की जगह एग्रावेटेड भी हम लिख सकते थे। अब ये टू द विंड क्या है ना, देखो विंड का मतलब होता है हवा। इससे दो फ्रेज बनते हैं, थ्रो कैलकुलेशन टू द विंड, थ्रो कॉशन टू द विंड। कॉशन का मतलब होता है सावधानी, कैलकुलेशन का मतलब होता है गिनती। अगर आपने कैलकुलेशन की थी, सारी गिनती हवा में चली गई ना, इसका मतलब क्या है, आपकी गिनती फेल हो गई। आपने बहुत सावधानी रखी थी, सारी सावधानी हवा में चली गई, इसका मतलब क्या है, आपने बिल्कुल लापरवाह होकर के काम किया है। समझ गए ना, टू द विंड का मतलब यही है, जो सोचा था वो सब फिजाओं में उड़ गया है, टू द विंड हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपना मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट इसी में है। आज मुझे ऐसा लग रहा है टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, चलो इस ग्रामर कॉन्सेप्ट को करते हैं, फिर थोड़ा फास्ट प्रोसेस करेंगे। पांच सेंटेंस है आपके सामने, आपको करना है इनको सॉल्व। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले करवा चुका हूँ, शायद आपको याद भी होगा, और ये है इसका रूल, है ना। पहले काम करो, रूल पढ़ लो, फिर पांचों को सॉल्व करना। पहले रूल को देख लें, अब बता दो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ी सी पार्सिंग कर देता हूँ आपके सामने, है ना, ताकि आपको इजी रहे पढ़ने के अंदर। जस्ट अ मिनट, ये रिमेन्स आपकी वर्ब, वर्ब को रेड, वॉन्ट भी आपकी वर्ब है, वॉन्ट को रेड, ये वॉन्ट भी वर्ब है, इसको कॉपी कर देते हैं। इज भी आपकी वर्ब है, इसको भी रेड, यहाँ भी वॉन्ट वर्ब है, इसको भी रेड, यहाँ भी वॉन्ट वर्ब है, यहाँ भी वॉन्ट वर्ब है। देखो मैंने क्या किया, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को ग्रीन, सारी के सारी वर्ब्स को पिंक कर दिया। अब देखो अपना रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है मेरे भाई लोग, ऑल के बाद में कभी ऑफ आएगा, कभी ऑफ नहीं आएगा। इसके तीन रूल हैं, सिंपल रूल है, अगर आप समझोगे लॉजिक के साथ तो उनको याद भी नहीं करना पड़ेगा। अगर इसके बाद में ऑफ लगना है तो वो कब लगेगा, जब आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव केस के अंदर प्रोनाउन लगाओ, जैसे अस लगाओ, देम लगाओ, मी लगाओ, है ना, हिम लगाओ, हर लगाओ, इस तरह से लगाओ ना कोई ऑब्जेक्टिव केस में, तब आप क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे ऑफ को। अच्छा कब यूज नहीं करना है, जब सब्जेक्टिव केस के अंदर हो, है ना, वी शी ही। इसका रीज़न मैं बताऊंगा भी ऐसा क्यों है रूल, पहले समझ लो। जब सब्जेक्टिव केस में हो, वी लगाओ तो ऑल के बाद ऑफ नहीं आएगा, अस लगाओ ऑल के बाद तो बीच में ऑफ आएगा, अगर दे लगाओ तो ऑल के बाद ऑफ नहीं आएगा, अगर देम लगाओ तो ऑल के और देम के बीच में ऑफ आएगा। अच्छा एक तीसरा ऑप्शन भी है, तीसरा ऑप्शन ये है, अगर आपके पास कॉमन नाउन्स हो, जैसे कि स्टूडेंट है, एम्प्लॉई है, कोई भी कॉमन नाउन हो, बिना द, दैट, दीज, दोज, किसी भी डिटरमाइनर के अगर कोई कॉमन नाउन है ना, तो भी आपको ऑल के बाद में ऑफ नहीं लगाना। अब एक तीसरा केस ये है, ऑप्शनल है, जिसके अंदर आप चाहो तो लगाओ, चाहे ना लगाओ, वो केस है जब दैट, दीज, दोज, दूज, ऐसा कुछ आ रहा हो ऑल के बाद में, या कोई प्रॉपर नाउन आ रहा हो, तो आपको क्या करना है, इस केस में लगाना है चाहे नहीं लगाना, आपका विवेक है, उससे काम ले। अब इस रूल को याद कैसे रखें सर, याद ऐसे रखो, तुम खाली ये याद रख लो कब लगाना है, लगाना तब है जब इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अगर आपने ये याद रख लिया तो बाकी किसी भी केस में आप नहीं लगाओगे तो आपका काम चल जाएगा। इस केस में तो लगाना ही नहीं है, और इस केस में ऑप्शनल है, इसमें मत लगाओ। आप सिर्फ इतना याद रख लो कहाँ लगाना है, इसके अलावा हर केस के अंदर आप नहीं लगाएंगे, समझ गए ना। बस इसको रूल को आपको ऐसे याद रखना है। अब इस रूल को कैसे बनाए, या मेरे साथ यहाँ पे लाइव देखेंगे, इस रूल का मतलब आपको समझ में आएगा। ऑल ऑफ पीपल वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, देखो ऑल के बाद में क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है, इस ऑफ को देखते हैं सही है गलत है। ऑफ के बाद में क्या आ रहा है, पीपल आ रहा है। पीपल ना तो कोई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ना कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये तो है एक कॉमन नाउन, पीपल तो कॉमन नाउन है ना, अगर इसको आप कलेक्टिव नाउन मानो, कॉमन नाउन मानो, बिना द का कॉमन नाउन समझ लेता हूँ अभी। अगर ये कॉमन नाउन है ना पीपल, तो मुझे क्या करना है, इस पीपल के आगे ऑफ को नहीं लगाना, क्योंकि कॉमन नाउन्स जब द, दैट, दीज, दोज के बिना आते हैं, उस केस में आपको कभी भी ऑल के बाद ऑफ नहीं लगाना होता। तो मैं क्या लिखूंगा, ऑल पीपल वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। यहाँ पे पीपल आपका सब्जेक्ट बना और ऑल बन गया एक एडजेक्टिव, यहाँ पे ऑल काम कर रहा है एक एडजेक्टिव का। अगला सेंटेंस देखो, ऑल ऑफ अस वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। अब देखो बीच में क्या आ रहा है, ऑफ के बाद अस आ रहा है। अस क्या है मेरे भाई, अस है एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। अगर एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है तो ऑफ यहाँ पे बिल्कुल सही है, सेंटेंस में नो एरर, ठीक है ना। चलो तीसरा देखो, ऑल ऑफ वी वॉन्ट इज टू बी सक्सेसफुल। ऑल के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्टिव केस में आ रहा है। अगर सब्जेक्टिव केस में आ रहा है तो यहाँ पे ऑफ को निकाल देना है, रूल नंबर तीन यही कहता है ना, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस में ऑफ लगेगा, सब्जेक्टिव केस और किसी भी केस में ऑफ नहीं लगेगा। अब इस सेंटेंस में से ऑफ निकाल देंगे,
ऑल वी वॉन्ट इज टू बी सक्सेसफुल, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सक्सेसफुल होना है ना, जो भी चीज़ हमें चाहिए ना वो यही है कि हम सक्सेसफुल हों। अगला देखो, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, एक कॉमन नाउन, अगर कॉमन नाउन है इससे पहले द आ रहा है तो चाहे आप ऑफ रखो चाहे ऑफ ना रखो, तो यहाँ पे अगर मैं ऑफ निकाल दूंगा तो भी सही है और रख दूंगा तो भी सही है, मैं यहाँ रख देता हूँ ऑप्शनल, ऑप्शनल, ठीक है। अगला देखो, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, अब देखो ऑफ के बाद एक कॉमन नाउन आ रहा है, जैसे यहाँ पीपल आया था, पीपल आया था, अब इस केस में इस ऑफ को निकालना पड़ेगा, अब ये सेंटेंस सही बनेगा, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट, ऑल आपका एक एडजेक्टिव है ना। चलो, ऑल ऑफ जून रिमेन्स स्कॉर्चिंग हॉट, अब देखो जून क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन जानते हो ना, नाउन की वीडियो में देखा आपने, जनवरी फरवरी दिनों के नाम बारों के नाम सबके सब प्रॉपर नाउन्स है, अगर ये प्रॉपर नाउन है, ऑफ यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहे तो रखो चाहे यहाँ से निकाल दो, है ना, तो निकाल भी दोगे तो भी ठीक है, रख दोगे तो भी ठीक है। अब देखो ये हुआ कैसे, ऑफ के बाद में हमेशा नॉमिनेटिव केस नहीं ऑब्जेक्टिव केस आता है ना, हमें हमेशा हर प्रपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्टिव केस के अंदर ही प्रोनाउन को लेती है, तो हमने हर उस जगह पे ऑफ दिया जहाँ पे हमें एक प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में पड़ा था, ताकि ये ऑफ और ये प्रोनाउन आपस में बाइंड हो जाए, तो बस इस रूल का सिर्फ इतना सही लॉजिक है, अगर इसको आप समझ गए तो रूल आपको समझ में आ गया। चलो इसके ऊपर क्विज है आज का, अच्छा क्विज है, इसको ऐसा मत समझना मैंने थोड़ा सा इसको हार्ड बनाया है, डालोगे कमेंट सेक्शन में, मेरे आंसर आपको वहीं मिल जाएंगे शाम तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लें इसका। चलिए, कैरे द सेंटर is obliged to pay to the states for a period of 5 years compensation for revenue shortfalls in return for their having ceded the power to levy the multiple taxes that were subsumed into the GST. कह रहा सेंटर इज obliged, obliged वर्ड कल ही बताया था वो मैंने आपको, वर्ड obliged का मतलब होता है एहसान करना या आपके ऊपर कोई obligation होना है ना, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा बोझ होना, तो कह रहा सेंटर ओबलाइज्ड है, सेंटर के ऊपर एहसान है, सेंटर के ऊपर बोझ है पे करने का, देने का स्टेट्स को 5 साल के पीरियड के लिए, और क्या देने के लिए, एक कंपनसेशन हुए खर्जाने को रेवेन्यू में शॉर्टफॉल्स का, इनके इनकम में कमी का, और किसके बदले, इन रिटर्न फॉर, इन रिटर्न फॉर दे रहे उनके छोड़ देने के, हैव सीड कर देने के, पीछे हट जाने के, उस पावर को उस ताकत को जो है लिवर करने की, लगाने की, चार्ज करने की बहुत सारे टैक्सेस को, अच्छा कौन से टैक्स, जिनको सबज्यूम कर लिया गया, जिनको अपने अंदर समा लिया गया GST नाम के टैक्स के द्वारा। तो जैसे GST आया, हमारे सेंटर स्टेट गवर्नमेंट्स के स्टेट जो टैक्सेज हैं वो सारे बंद हो गए, ये वैट सब बंद हो गया, सेल्स टैक्स, तो सेंटर ने बोला कोई बात नहीं बंद हो जाने दो, 5 साल तक जो आपको हर जाना है हम देंगे, इस GST को आप आने दो बस, है ना, ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। सेंटर की वर्ब है ओबलाइज्ड, लेवी का मतलब होता है चार्ज करना, सीड का मतलब होता है रास्ता छोड़ देना, गिव अप कर देना, किसी का हथियार जो है डाल देना, सबज्यूम का मतलब होता है सब अज्यूम कर लेना, आपके अंदर किसी चीज़ को संभालेंगे तो आप उस चीज़ को सब अज्यूम कर लेंगे, अब वो आपके अंदर अज्यूम हो गई, इंक्लूड कर लिया आपने, इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब यहाँ पे देखना, ये फोर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है वो है हैविंग सीडिट, ये एक परफेक्ट जीरेंट, जीरेंट की क्लास में आपने मेरे साथ सीखा है, इससे पहले जो भी चीज़ आ रही होगी वो आ रही होगी पजेसिव फॉर्म में, इसलिए देम नहीं लिखा हमने, देयर लिखा है, देयर हैविंग सीडिट, तो जीरेंट का रूल आपने मेरे साथ सीखा है ना, जीरेंट का सब्जेक्ट हमेशा पजेसिव फॉर्म में होता है, चाहे कोई नाउन हो चाहे कोई प्रोनाउन हो। केरल लास्ट वीक फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन असर्टेड एट व्हाट मे हैव बीन द मोस्ट ट्रेनियस GST काउंसिल मीटिंग सो फार दैट द सेंटर विल नॉट बी एबल टू मीट द कंपनसेशन शॉर्टफॉल। कह रहे पिछले हफ्ते लास्ट वीक जो हमारी ये फिनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने असर्ट कर दिया, जोर देके कह दिया, और किस चीज़ पे जोर दिया, कह रहे जो कि वट जो कि मे वह बिन हो सकती है सबसे टेन्यूस GST मीटिंग काउंसिल अभी तक की, तो कह रहे इस काउंसिल में इसने असर्ट किया है जो कि अभी तक की सबसे निरर्थक टेन्यूस सबसे कम असर वाली GST काउंसिल हो सकती है। अच्छा इनका असर्ट करना ये था दैट वो ये की कि सेंटर नहीं एबल होगा, सेंटर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है कि वो मीट कर पाए हट जाने की शॉर्टफॉल को, तो कह रहे दिया हमने आपको 3 साल, अब कोविड के टाइम हमारी कमर टूट गई है, आपको 1 साल तो कम से कम हर जाना हम नहीं दे पाएंगे, सेंटर को सेंटर ने बोला ऐसा स्टेट्स को। सीतारमन की वर्ब है असर्टेड, व्हाट प्रोनाउन की वर्ब है मे हैव बीन, टेन्यूस का मतलब है जो वीक हो, इनसिग्निफिकेंट हो, इनसब्सटेंशियल हो, जिसका कोई ज़्यादा मतलब ना हो ना, मीनिंगलेस हो, उसको कहते हैं टेन्यूस।
चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट फॉल का मतलब होता है कमी, है ना, लैकुना, कमी, शॉर्टेज, उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉल। कह रहे विद जीएसटी कलेक्शंस शार्पली अंडरशूटिंग ऑल टारगेट्स दिस ईयर द सेंटर एस्टिमेट्स कंपनसेशन पेएबल फॉर द फुल ईयर एट 3 लाख करोड़। कह रहे के साथ ही, विद के साथ ही जीएसटी की कैलकुलेशन के शार्पली अंडरशूट करने के साथ ही, अंडरशूट करना मतलब अंडर अचीव करना, आपने सोचा था 10 रुपया, मिला आपको 1.5 रुपया। तो कह रहे जीएसटी की कलेक्शन के अभी तक के बहुत ज़्यादा अंडरशूट करने के, कम टारगेट जो है अचीव करने के साथ ही, और सारे टारगेट को इस साल, है ना, पूरे साल के दौरान। कह रहे सेंटर एस्टिमेट करता है कंपनसेशन को जो पेएबल है पूरे साल के लिए 3 लाख करोड़ के ऊपर। तो सेंटर का 3 लाख करोड़ का एस्टिमेट इस साल का सेंटर ने बना रखा था। अंडरशूट ओवरशूट दोनों को समझें। जब आप ओवरशूट कर रहे हैं, मैंने आपको बोला यहाँ पे निशाना लगाओ, यहाँ पे लगाओ, आपने यहाँ लगा दिया, तो जहाँ पे तो आपको पहुँचना था ना, उससे और ऊपर पहुँच गए, आपने ओवर अचीव करने का काम किया है, उसको कहते हैं ओवरशूट। अंडरशूट मतलब जहाँ पे पहुँचना था वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए, आपने अंडर अचीव किया है, मतलब अंडरशूट। दोनों वर्ड्स को आप एक साथ समझें, अंडरशूट और ओवरशूट। चलो आगे बढ़ते हैं। करप बढ़ दिस 65,000 करोड़ इज एक्सपेक्टेड इन द सेस किटी यूज टू पे आउट द कंपनसेशन। कह रहे लेकिन महज जस्ट 65,000 करोड़ ही एक्सपेक्टेड है इस सेस की किटी में से। किटी मतलब फंड, सेस का मतलब है हरजाने का नाम दिया हमने सेस। तो कह रहे हरजाने के जो फंड में से महज 65,000 करोड़ ही एक्सपेक्टेड है, क्यों, पे करने के लिए इस कंपनसेशन को, इस पूरे हरजाने की भरपाई करने के लिए। तो सेंटर ने पूरा फंड बनाया हुआ है, आज 3 लाख करोड़ के सामने सेंटर के पास महज 65,000 करोड़ है स्टेट्स को देने के लिए। कह रहे इन जुलाई के अंदर द सेंटर पेड आउट द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ कंपनसेशन फॉर द लास्ट फिस्कल एंड इज सो फार येट टू पे एनीथिंग फॉर दिस ईयर। कह रहे जुलाई के अंदर सेंटर ने पे आउट कर दिया, सेंटर ने चुकता कर दिया। पे आउट करना मतलब किसी की चुकता कर देना, है ना, सारे कर्जे को। तो सेंटर ने पे आउट किया आखिरी इंस्टॉलमेंट को, किस्त को, इस हरजाने की और पिछले फिस्कल की, है ना। तो जुलाई में पिछले साल की आखिरी किस्त सेंटर ने दी और यही सेंटर इज अभी है सो फार अभी तक येट बाकी पे करना देना कोई भी चीज़ इस साल के लिए फॉर दिस ईयर। अगर जुलाई में पिछला साल पूरा किया सेंटर ने, इस साल की एक फूटी कोड़ी अभी तक स्टेट्स को नहीं मिली है। सेंटर की दो वर्ब्स हैं, पेड आउट एंड कंजंक्शन के बाद इस, है ना, दो वर्ब्स सेंटर नाम का सब्जेक्ट लेके बैठा है। कर स्टेट्स हैव नाउ बीन गिवन टू ऑप्शंस बोथ रिक्वायरिंग देम टू बोरो फ्रॉम द मार्केट। अब देखो 3 लाख करोड़ के सामने सेंटर के पास 65,000 करोड़ है, तो सेंटर ने दो ऑप्शन दिए स्टेट्स को। कह रहा स्टेट्स हैव नाउ बीन गिवन टू ऑप्शंस, स्टेट्स को पैसिव वॉइस में दो अल्टरनेटिव मिले हैं। कह रहा जो दोनों के दोनों रिक्वायर करते हैं स्टेट्स को बोरो करने के लिए, कर्जा लेने के लिए मार्केट से। तो सेंटर ने दो ऑप्शन दिए हैं जिन दोनों के अंदर ही स्टेट को मार्केट से कर्जा लेना पड़ेगा। यहाँ पे रिक्वायरिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बोथ नाम के प्रोनाउन के लिए आया है, इसके लिए एडजेक्टिव काम कर रहा है ना। वो कौन से बोथ हैं दोनों, जो रिक्वायर करते हैं मार्केट से कर्जा उठाने की बात को। चलिए करे द सेंटर कंटेंट्स दैट ओनली ₹97,000 करोड़ ऑफ द रेवेन्यू शॉर्टफॉल इज फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST वाइल 1.38 लाख करोड़ इज ड्यू टू एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टेंसेज पोस्ड बाय एन एक्ट ऑफ गॉड द पैंडमिक। अब सेंटर ने यहाँ पे खेल खेला, 65,000 करोड़ तो थमा दिया, है ना, कह रहा है दे दूंगा, और ये जो 3 लाख करोड़ में से जो बाकी का बचा ना, कह रहा है सेंटर कंटेंट करता है, सेंटर का ये कहना है, जिद पे अड़ा सेंटर, है ना। कंटेंट करने का मतलब यही होता है किसी चीज पे आप अड़ जाओ और बार बार बोलो मैं तो यही मानता हूँ। तो सेंटर कह रहा है मैं तो यही मानता हूँ कि जो बाकी बचा ना 3 लाख में से 65,000 निकाल दो, तो कह रहा उसमें से भी 97,000 करोड़ है ना, उसको मैं मानता हूँ रेवेन्यू की शॉर्टफॉल, सिर्फ वही मैं आपको और दूंगा आने वाले टाइम में, है ना। और कौन सी शॉर्टफॉल है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST की, जो आपके यहाँ हरजाना बनता है 97,000 करोड़ का, वो मैं आपको दूंगा। और करे जबकि 1,38,000 करोड़ जो है ना, इसमें से और माइनस करने में जो बचा, करे वो है ना, वो कारण से है इन खास एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टेंसेस के, जिनको खड़ा किया गया है भगवान की एक काम ने, एक्ट ऑफ गॉड ने, जिसका नाम है पैंडमिक। तो कह रहे ये 1,38,000 स्टेट्स को बोला आप भूल जाओ, ये हम भी नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोरोना आ गया,
एक्ट ऑफ गॉड हो गया, अब इसमें किसी का भी कोई रास्ता नहीं है। समझ गए ना, तो उनकी स्टोरी चल रही है बच्चों जैसे, कुत्ते बिल्ले के जैसे, एक एक पैसे के लिए जो है ना सेंटर और स्टेट आपस में आज की डेट में तनातनी तलवार खोल के खड़े हैं। अब आगे बताएगा सेंटर के पास ऑप्शन क्या है ना, दो ऑप्शन क्या है स्टेट्स के पास। कह रहे स्टेट्स कैन इधर बोरो रुपी 97,000 करोड़ विदाउट हैविंग इट एडेड टू देयर डेट विद द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेड आउट फ्रॉम द फ्यूचर सेस कलेक्शंस। अब इतना पढ़ते हैं फिर ऑप्शन नंबर दो देखेंगे। तो अगर आप स्टेट्स जो है ना राज्य है, या तो वो बोरो कर सकते हैं इतने हज़ार रुपयों को, इतने हज़ार करोड़ रुपयों को, बिना उनको ऐड किए, बिना उनको जुड़वाए उनके कर्जे में, और कैसे, इसका जो प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट है, इसका जो मूल और ब्याज है वो पे आउट होगा, चुकता होगा आने वाले वक्त में जो सेस कलेक्शन है उनमें से। तो सेंटर ने पहला क्या बोला, ये 97,000 करोड़ अभी पकड़ो मुझसे, इसका ब्याज भी मैं चुकाऊंगा, ये 97,000 करोड़ भी मैं चुकाऊंगा जो मुझे आपको देना है, आगे वाले आने वाले हिस्से में से आप इस 97,000 करोड़ को मुझे ही आप दोगे, है ना, तो मैं नहीं चुकाऊंगा, आपके हिस्से में से ही मैं काट लूंगा आने वाले टाइम में। तो ये तो दिया ऑप्शन नंबर वन। अच्छा दूसरा ऑप्शन नंबर वन क्या है, दूसरा क्या है, और दे कैन बोरो द एंटायर 2.35 लाख करोड़ शॉर्ट फॉल बट विल हैव टू प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेमेंट्स देमसेल्व्स। ऑप्शन नंबर दो है, या तो वो बोरो कर सकते हैं पूरे के पूरे 2.35 लाख करोड़ की कमी को, पर उनको हैव टू करना ही पड़ेगा प्रोवाइड फॉर इंतजाम इसकी इंटरेस्ट की पेमेंट्स का खुद इनके द्वारा। तो अगर इस केस में आप पूरा पैसा हमसे ले लो पर इसका इंटरेस्ट आप दोगे और आने वाले टाइम में ये पैसा भी हम आपसे वसूल लेंगे। तो दो ऑप्शन सेंटर ने दिए हैं, ऐसे लगेंगे आपको सुनकर एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। 97,000 करोड़ के लिए भी बोल दिया ये भी आपसे ही मैं बाद में वसूलूंगा, और 2.35 लाख के लिए बोला इसको तो मैं आज से ही वसूलना शुरू कर दूंगा इंटरेस्ट की फॉर्म में आपसे। अब देखो देखने वाली चीज़ें, स्टेट्स की वर्ब है कैन इधर बोरो, है ना, तो कैन मॉडल वर्ब, उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे की वर्ब है कैन बोरो बट एक कंजंक्शन है, और विल हैव टू यहाँ पे दूसरी वर्ब है दे की, तो बट को मैंने गलती से ग्रीन कलर दे दिया है, दे की पहली वर्ब कैन बोरो और दे की दूसरी वर्ब विल हैव टू। हैज टू का मतलब ये होता है आपकी कोई ऑब्लिगेशन हो, कोई मजबूरी हो। देखो ये प्रोवाइड फॉर वाला कॉन्सेप्ट में करवाने वाला था, पर आज के वीडियो वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लंबी हो रही है, ये मैंने खबरी पे करवा चुका हूँ, है ना, तो खबरी वाले तो सब देख लेना आपका रिवाइज हो जाएगा, इसको मैं फिर कभी किसी चैप्टर में लूँगा क्योंकि आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। प्रोवाइड फॉर का मतलब होता है इंतजाम करना, अभी तक इतना समझे, प्रोवाइड फॉर मतलब इंतजाम करना। करे द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ आर्ग्यूड दैट हायर बोरिंग बाय द सेंटर विल पुश अप इंटरेस्ट रेट्स एंड डेंट इंडियाज़ फिस्कल पैरामीटर्स। करे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऐसा आर्ग्यू कहा है, किया है, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट रखा है, और वो ये रखा है कि ज़्यादा बोरिंग जो है, हायर बोरिंग जो है, ज़्यादा कर्जा जो है सेंटर के द्वारा, वो पुश अप कर देगा इंटरेस्ट की रेट्स को, है ना, वो बढ़ा देगा इंटरेस्ट की रेट्स को, और डेंट मार देगा, खड्डा कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा इंडिया के फिस्कल पैरामीटर्स को, इंडिया के फाइनेंशियल मापदंडों को, आर्थिक मापदंडों को। करे इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है हम नहीं लेंगे ये सारा कर्जा, आप लो, कह रहा हमने अगर लिया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगी और हमारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स को बहुत बड़ा चोट पहुंचेगा। समझ गए सेंटेंस को, मिनिस्ट्री की वर्ब हैज आर्ग्यूड, बोरविंग की वर्ब है विल पुश अप, और डेंट पैरामीटर का मतलब होता है मापदंड, किसी चीज का क्राइटेरिया, बेंचमार्क, इन सब का मतलब क्या होता है, पैरामीटर का मापदंड। करे एट बेस्ट, अब ये बताएगा ऊपर वाली बात गलत है, करे एट बेस्ट दिस इज स्पीशियस, टोटल गवर्नमेंट डेट इंक्लूडिंग स्टेट्स इज वट रेटिंग एजेंसीज लुक एट। करे अगर कुल मिला के अगर आप देखें और एट बेस्ट देखें, मतलब अच्छे से अच्छे तरीके से देखें ऊपर वाली बात को, है ना, इस पूरी बात को, करे अगर अच्छे से अच्छे तरीके से इसको देखें ना, ये पूरी की बात है स्पीशियस। स्पीशियस का मतलब क्या होता है, मिसलीड करने वाली, फैक्चुअली इनकरेक्ट। करे ये बात ही पूरी की पूरी गुमराह करने वाली है, क्यों, करे जो टोटल गवर्नमेंट का डेट होता है ना, जिसमें शामिल होता है स्टेट्स का, वो रेटिंग एजेंसियां लुक ऐड करती हैं, जो भी रेटिंग एजेंसियां दुनिया की, मूडीज है और ये जितनी भी हैं, ये सारी की सारी पूरे गवर्नमेंट डेट को लुक ऐड करती हैं, ना कि सेंटर गवर्नमेंट के। तो कह रहा है आपने स्टेट्स को बोला हम कर्जा नहीं ले सकते क्योंकि हमारे देश की रेटिंग खराब हो जाएगी, लेकिन जो कंट्रियाँ या जो एजेंसियाँ देश को रेटिंग देंगी वो स्टेट और सेंटर के कर्जे को मिला करके ही देखती है। समझ गए ना सेंटेंस को, तो यहाँ पे स्पीशियस वर्ड का मतलब है मिसलीडिंग, और इसमें कुछ आया नहीं ऐसा, है ना, देखने वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। करे सेवरल स्टेट्स हैव रिजेक्टेड बोथ ऑप्शंस एंड सम इंक्लूडिंग तमिलनाडु
have urged the center to rethink in view of the essential and urgent spending needs to curb the pandemic and spur growth. कह रहे बहुत सारी स्टेट्स ने रिजेक्ट कर दिया है दोनों ही ऑप्शन को. उन्होंने बोला हमें इस डायर स्टेट में नहीं जाना, हमें एक ऑप्शन चॉइस को नहीं चाहिए. ऑप्शन चॉइस का मतलब ये होता है एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई. तो बहुत सारी स्टेट्स ने मना कर दिया दोनों ही ऑप्शन को, और कुछ ने तो जिसमें शामिल है तमिलनाडु ऐसा अर्ज किया सेंटर को, ऐसी एप्लीकेशन दी है, गुजारिश की है सेंटर को कि वो फिर से सोचे, रीथिंक करे, है ना. और क्यों करे, देखते हुए उनके एसेंशियल जरूरी और फटाफट अर्जेंट स्पेंडिंग नीड्स को, जल्दी से और बहुत ही जरूरी स्पेंड करने की जरूरत है स्टेट्स को, तो करे उस नीड को देखते हुए. और ये नीड किस चीज़ के लिए है, ये है कर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए महामारी को, और स्पर करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, उकसाने के लिए ग्रोथ को, विकास को. तो बहुत सारी स्टेट्स ने क्या बोला, दोनों ऑप्शन वाहियात हैं. और तमिलनाडु जैसी कई स्टेट्स ने क्या बोला, ऐसा काम मत करो, फिर से सोच लो, ये दोनों ऑप्शन हमें मत दो, हमें बहुत पैसे की ज़रूरत है ताकि इस पैंडमिक से हम लड़ पाएँ और अपने अपने राज्य में ग्रोथ और जो विकास है उसको थोड़ा सा स्पर कर पाएँ. समझ गए सेंटेंस को, है ना. इन व्यू ऑफ मतलब देखते हुए, कर्व का मतलब है कंट्रोल करना, चेक करना, स्पर का मतलब है उकसाना, प्रोवोक करना, इंसाइट करना, ट्रिगर करना, कॉज करना. चलो आगे बढ़ते हैं. करा एक चीज़ आपसे छोटी सी शेयर करनी है. ट्विटर पे कैंपेन चल रहे हैं पूरा, उसमें ज़ोर शोर से सब स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं, आप भी ले रहे होंगे और अच्छी बात है, पर अपना पूरा टाइम मत वेस्ट कर देना उसमें, है ना. ये कैंपेन थोड़े दिनों में बंद हो जाएगा, उसके बाद सब लोग भूल जाएंगे, चाहे इससे कुछ अच्छा निकले चाहे इससे कुछ ख़राब निकले, पर आपकी मेहनत जो है ना वो आपको ही, उसके जिम्मेदार आप खुद ही हो. कोई आप कल को ये नहीं कह सकते किसी को कि मैं 7 दिन के लिए ट्विटर के उस कैंपेन में लगा हुआ था, इसकी वजह से मेरे कट ऑफ से 3 मार्क कमाए हैं, है ना. ये ग्राउंड रियलिटी है, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ. कैंपेन चलेंगे उसमें हिस्सा लो, पूरा दिन यूट्यूब पर ख़राब मत कर देना इस कैंपेन के चक्कर में. चलो आगे बढ़ते हैं. ये वो बातें हैं जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता सकता हूँ. अभी आपको गर्म जोशी में लगता होगा अच्छा है ना, हम करेंगे आज़ादी मांग करके लेंगे, पर बात ये है कि भाई वक्त जो है ना वो निकलने के बाद किसी के हाथ में नहीं आया कभी भी, सच बात है. कर स्टेयरिंग मैच इज इन द ऑफिंग. कर एक स्टेयर करने वाला, आपकी आंखों में झांकने वाला मैच जो है ना, मैच का मतलब होता है या तो कोई कॉम्पिटिशन या कोई चुनौती. कर अब एक नया आंख में झांकने वाला, हमें घूरने वाली चुनौती मैच है ना, वो इन द ऑफिंग है. इन द ऑफिंग एक फ्रेज है, इसका मतलब है कोई चीज़ अंडर डेवलपमेंट हो, कोई चीज़ जो है विकसित हो रही हो, तैयार हो रही हो. तो अगर एक नई चुनौती जो है तैयार हो रही है, अ स्टेयरिंग मैच इज इन द ऑफिंग. देखो कितना अच्छा सा सिंपल सा सेंटेंस लिख सकता था, कितना इसने घुमा फिरा के लिखा है ना. चलो कर इट इज अप टू द सेंटर, अभी कुछ वो चुनौती बता रहा है. कर इट इज अप टू द सेंटर टू रिजॉल्व दिस इम्पैस इन अ वे दैट फ्यूचर GST रिफॉर्म्स डू नॉट फॉल विक्टिम टू द ट्रस्ट डेफिसिट एंजेंडर्ड बाय दिस स्टैंड ऑफ. कह रहा अब ये पूरा का पूरा अप टू है सेंटर पे. जब आप अप टू बोलते हैं ना तो आप यूँ कहते हैं ये आपके ऊपर है, है ना. इट इज़ अप टू यू मतलब ये आपके ऊपर है. तो कह रहे पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, अप टू है, रिलाई करता है सेंटर के ऊपर. कैसे वो रिजॉल्व करेगा इस इम्पैस को, इस स्टैंड ऑफ को, इस गतिरोध को, इस उस तरीके से इन अ वे ताकि फ्यूचर में होने वाले GST के सुधार बलि नहीं चढ़ते हैं, फॉल विक्टिम नहीं होते हैं इस ट्रस्ट के डेफिसिट की, इस यकीन की कमी की, जिसको एंजेंडर किया गया है, पैदा किया गया है इस स्टैंड ऑफ के द्वारा, इस झगड़े के द्वारा. तो कह रहे सेंटर के ऊपर पूरा दारमदार है. कैसे वो सोल्यूशन करेगा कि GST रिफॉर्म जो हैं उनकी बलि, ये झगड़े जो है उसके ऊपर ना चढ़ जाए. समझ गए ना. एंजेंडर वर्ड को नोट करें, जब आप किसी चीज़ को एंजेंडर करते हैं तो आप उसको जेंडर देते हैं. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक बच्चा पैदा करते हैं ना, एक बच्चा पैदा होगा उसका कोई ना कोई जेंडर होगा, मेल होगा या फीमेल होगा. तो वहाँ से इस वर्ड को हमने उठा लिया. एंजेंडर करना मतलब किसी चीज़ को जेंडर देना, जैसे एक बच्चा पैदा करना वैसे किसी चीज़ को पैदा करना. तो एंजेंडर का मतलब होता है कॉज करना, उकसाना, ट्रिगर करना, स्टिमुलेट करना, प्रोवोक करना, किसी चीज़ को पैदा करना. कर अब आगे बढ़ते हैं. कर द पैंडमिक रिस्पॉन्स इज स्ट्रेंथन्ड एंड ऑल राउंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू बोल्स्टर सैगिंग डिमांड नॉट डिरेल्ड. तो पहला काम तो ये करना है कि ये जो सारा का सारा GST रिफॉर्म बलि ना चढ़े. दूसरा काम क्या करना है, सेंटर को देखना है कि जो पैंडमिक का रिस्पॉन्स है, महामारी के सामने जो प्रतिक्रिया है वो मजबूत बनती है ना, हमारा रिस्पॉन्स अच्छा रहता है. और तीसरा काम क्या, ऑल राउंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग है ना,
पूरी तरह से गवर्नमेंट की कैपिटल स्पेंडिंग है, स्टेट में भी और सेंटर में भी जो कैपिटल स्पेंडिंग है बोल्स्टर करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, धीमी पड़ती हुई लटकती हुई डिमांड को वो डिटेल नहीं होते हैं, पटरी से नहीं उतरते हैं। तो अगर सेंटर को तीनों चीज़ों को देखना पड़ेगा, इट इज़ अप टू द सेंटर। समझ गए होंगे सेंटेंस को, वर्ड्स बता देता हूँ। एंजेंटर आपने देख लिया, किसी चीज़ को पैदा करना, स्टिमुलेट करना। बोल्स्टर का मतलब है सपोर्ट करना। सैगिंग का मतलब है जब गुब्बारा होता है ना उसकी हवा निकल जाती है ना, तो वो सैगिंग बलून होता है, लटकता हुआ जिसमें कोई जान ना हो, ऐसी हो गई आज की डेट में हमारी डिमांड। डिरेल का मतलब होता है रेल की पटरी जैसे उतरती है, वैसे कोई भी चीज़ अगर पटरी से उतर जाए तो इस वर्ड को आप यूज़ करें। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं फॉर नाउ द ओनली सर्टेनिटी इज दैट द कंपेंसेशन सेस लिवाइड ऑन डिमेरिट गुड्स विल स्टे ऑन बियॉन्ड 2022। कह रहे अभी तक महज एक ही सर्टेनिटी है, सिर्फ एक ही बात है पक्की, और वो है कि जो कंपेंसेशन सेस है, जो भरपाई करने वाला सेस है, और जिसको लगाया जाता है डिमेरिट गुड्स पे, ऐसे गुड्स पे जो हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं। अक्सर सेस ऐसे ही गुड्स से निकलता है, सिगरेट से, टोबैको से, लीकर से, है ना। तो कह रहे ये बात बिल्कुल पक्की है कि जो कंपेंसेशन सेस जो लगाया जाता है डिमेरिट गुड्स पे, ऐसे बिना वाद के गुड्स पे, वो बना रहेगा 2022 के बाद भी। तो 5 साल के लिए लगाया था पहले, सोचा था, पर अब पैंडमिक आ गई है तो अब इसको 2022 के बाद भी लगाया जाएगा, ये बात है पक्की। और कह रहा है इवन मे इवन बी रेज्ड, हो सकता है यहाँ तक कि इसको रेज भी कर दिया जाए, इसको थोड़ा सा बढ़ा भी दिया जाए। और कैसे बढ़ाया जाएगा, इफेक्ट करते हुए बहुत सारे बिजनेसिस को, असर डालते हुए बहुत सारे व्यापारों को, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग है कई जॉब इंटेंसिव ऑटो सेक्टर, है ना, जॉब्स को रखने वाला, जॉब्स नौकरियों को देने वाला ऑटो सेक्टर भी जिसमें शामिल है। तो डिमेरिट गुड्स देख लेना आप, सिन गुड्स भी बोलते हैं इनको। ये ऐसे गुड्स हैं जो आप अपने शान शौकत के लिए यूज़ करते हैं, अपने मज़े के लिए, फास्ट फूड है, लीकर है, टोबैको है ना, ये सब की सब चीज़ होती है डिमेरिट गुड्स, इन्हीं पे सबसे ज़्यादा सेस जो है लगाया जाता है। तो अगर अब ये बात पक्की है, इन चीज़ों पे टैक्स बना रहेगा और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, जिससे शायद ऑटो सेक्टर को भी थोड़ा सा नुकसान हो, क्योंकि महंगी गाड़ियाँ भी डिमेरिट गुड्स का एक पार्ट है ना। आई थिंक मैंने आपको वही क्लैरिटी लाने की कोशिश की है जो मेरे दिमाग में है। अच्छा लगा हो तो लाइक दे करके और शेयर करके वीडियो को बताना। मैं फिर से मुलाकात लूँगा कल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए Signing out.